वालों के लिए खुशखबरी, अब महाकाल में अलग से प्रवेश मिलेगा, 11 जुलाई से मिलेगी सुविधा। उज्जैन वासियों के लिए यह खबर खुशखबरी हो सकती है कि अब उन्हें महाकाल के दर्शन में आधार कार्ड दिखाकर अलग गेट से दर्शन हो सकेंगे। ये निर्णय आज महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में लिया गया। प्रशासन ने 4 जुलाई से शुरू होने वाली सावन माह में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए तैयारियां शुरू की। इसको लेकर आज महाकाल लोक में स्थित कंट्रोल रूम में महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहरवासियों को महाकाल मंदिर में आधार कार्ड दिखाकर अलग गेट से दर्शन करने और अधिक मास के चलते करीब 2.5 माह तक गर्भगृह में प्रवेश बंद रखने के लिए अलावा महाकाल मंदिर समिति की आय बढ़ाने के लिए पैकेज योजना लाने सहित श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए और अच्छे प्रबंध करने के अलावा महाकाल लोक में किसी प्रकार की प्रवेश शुल्क नहीं लगाने का निर्णय लिया। इस दौरान कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एसपी सचिन शर्मा, महाकाल मंदिर प्रशासक संदीप सोनी, महापौर मुकेश टटवाल, निगम कमिश्नर रोशन सिंह और महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के सदस्य 3 पुजारी शामिल हुए। क्या रहेगी सबसे बड़ी, जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था और हमारे उज्जैन के सभी नागरिकों से मैंने वादा भी किया था, और पिछली जब हमारी प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तो उस हमने तय करा था कि उज्जैन निवासियों के लिए उज्जैन का एक नगर द्वार होगा, जहाँ से उज्जैन वाले अपना आधार कार्ड बता करके बाबा महाकालेश्वर के दर्शन कर सकेंगे। तो आज की बैठक में हमने निर्णय लिया और तय करा है कि 11 तारीख से उज्जैन वालों के लिए एक अलग से द्वार होगा, संभवतः 1 नंबर द्वार होगा या 4 नंबर द्वार होगा। तो इन 2 द्वारों में से 1 द्वार के माध्यम से उज्जैन के लोग अपना आधार कार्ड बता करके दर्शन कर सकेंगे, और आधार कार्ड भी उनको एक ही बार बताना पड़ेगा, या तो घर बैठ करके वो अपने मोबाइल से भी अगर उन्हें पंजीयन कर लिया अपना फ़ोटो चेहरा लेकर के, या यहाँ आकर के भी एक बार कर लिया तो बार बार उनको आधार कार्ड लाने की आवश्यकता भी नहीं होगी। उज्जैन नगर निगम सीमा के अंदर निवास करने वाले हमारे उज्जैन के प्रत्येक नागरिक बाबा के दर्शन के लिए उनका एक द्वार 11 तारीख से प्रारंभ होगा। थैंक यू। देखिए, सावन की तैयारियों को लेकर क्या निर्णय लिए गए? देखिए, सबसे पहले तो श्रद्धालुओं की सुविधा को बढ़ाने के लिए बात हुई है, अन्य क्षेत्र जो निजी क्षेत्र में बन रहा है उसमें और विस्तार मंदिर समिति द्वारा किया जाएगा, और ये निर्णय किया गया कि 15 अगस्त से अन्य क्षेत्र का प्रारंभ किया जाए निःशुल्क। दूसरा, हम लोगों ने यहाँ पे और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उच्च स्तरीय बहुत ही हाई क्वालिटी के एयरपोर्ट के तौर टॉयलेट्स के ब्लॉक बनाने का निर्णय किया है, जो 3 जगह बनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो बहुत पुरानी मांग थी, माननीय जनप्रतिनिधियों ने आग्रह किया था कि उज्जैन के लोगों को निःशुल्क दर्शन की सुविधा दी जाए, उसके बारे में भी निर्णय हुआ है, आपको आगे मेयर साहब बताएंगे कब से लागू होगा। सवारी और श्रावण मास को देखते हुए गर्भगृह में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, और श्रद्धालुओं को, अब सारे श्रद्धालुओं को चाहे वो शीघ्र दर्शन हो या नॉर्मल दर्शन हो, अंतिम में एक जगह से ही दर्शन होंगे। अगर वो टिकट लेके भी आता है शीघ्र दर्शन के लिए तो उसको इतना ही, उसको थोड़ा समय कम लगेगा, लेकिन दर्शन की जगह एक ही हो, चाहे नॉर्मल श्रद्धालु हो या शीघ्र दर्शन वाला श्रद्धालु हो। मंदिर के आय बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई है, चूँकि गर्भगृह में प्रवेश बंद है तो ये चर्चा हुई है कि तिरुपति की तरह हम लोग कुछ पैकेज अनाउंस करें, जिसमें 5 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 51 लाख, इस तरह के पैकेज हैं। अगर कोई इस पैकेज को लेता है तो उसको साल भर में नियत दिनों पर भस्म आरती की सुविधा और सुविधाएं प्रदान की जाएगी, जिससे मंदिर की आय में वृद्धि होगी। महाकाल लोक में प्रवेश को लेकर शुल्क नहीं, महाकाल लोक में प्रवेश को लेकर शुल्क का कोई प्रस्ताव नहीं। सवारी का क्या स्वरूप रहेगा, किस प्रकार की? खबर भारतवर्ष के लिए उज्जैन से संजय शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।